वाराणसी के उदय प्रताप महाविद्यालय के छात्र अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर कॉलेज के प्रशासनिक भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। फिलहाल यह धरना 4 दिनों से अनवरत चल रहा है और आज छात्रों द्वारा एक यज्ञ कराया गया ताकि महाविद्यालय प्रशासन के नकारात्मक विचार नष्ट हो सके और छात्रों के भविष्य को देखते हुए प्रशासनिक गतिविधियों में सुधार किया जा सके। अपनी 11 सूत्री मांगों के साथ छात्रों ने कहा कि प्राचीन छात्र भवन में शादी विवाह बंद हो, महिला छात्रावास पर महिला वार्डन व गार्ड की नियुक्ति की जाए। छात्रों ने बताया कि कैंपस में लाइट और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था न होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और महाविद्यालय प्रशासन को कैंपस में लाइट व सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ स्मार्ट क्लासेस, शिक्षकों की समय से उपस्थिति और छात्रों के पीने के लिए आरओ वाटर कूलर आदि लगवाए जाए। छात्रों ने बताया कि इन समस्याओं के कारण कॉलेज में पठन पाठन की व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर प्राचार्य व सचिव को कई बार इन समस्याओं से अवगत किया जा चुका है। मेरा नाम शिवम सिंह है, मैं वर्तमान शासन महामंत्री हूँ इस महाविद्यालय का। ये 11 सूत्री मांगों को लेकर कई दिनों धरना दे रहे थे आप? आज हम लोग का ये चौथा दिन आया है अनिश्चितकालीन धरना का और आज हम लोगों ने कॉलेज प्रशासन और कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ एक शुद्धि बुद्धि हवन भी करवाया कि जिससे इस कॉलेज प्रशासन जो नकारात्मक निकम्मा चोर कॉलेज मैनेजमेंट जो कॉलेज के लोग हैं कम से कम इनकी इस जरिए बुद्धि खुले, इन लोग को लज्जा आए कि कम से कम इनको ये समझे कि कॉलेज का स्थिति और कॉलेज का मतलब मान मर्यादा माहौल किस ओर जा रहा है। कई दिन से यह धरना चल रहा है, आज आप हम लोग यह धरना 15 तारीख को स्टार्ट किया, चौथा दिन है इस धरने का, अनिश्चितकालीन धरने का। तो क्या लगता है जो आपका प्रशासन सोया हुआ है, शुद्धि बुद्धि करने से प्रशासन जाग जाएगा? कॉलेज प्रशासन के सर पे तो जू तक नहीं रेंग रहा है, कॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर तो कोई जू ही नहीं रेंग रहा है। ये लोग आ रहे हैं, अपनी गाथा गा रहे हैं कि रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल प्राचार्य जी बोल रहे हैं बेटा मेरी एक महीने की बची रिटायरमेंट, आप मुझे समय मतलब क्या क्या चाहते हैं, मैं कोई मतलब ये समझ ले कि जो मेरा 11 मुद्दा है मैं फरवरी माह से दिया हूँ, जब मैं शासन महामंत्री बना था दिसंबर में 8 दिसंबर को, उसके बाद मैंने फरवरी माह से कम से कम इन लोगों को 3 से 4 बार इस चीज़ को इस मुद्दे के लिए रिपीट करवा चुका हूँ, लेकिन उन लोगों को लगता था कि मैंने हर बार इन लोगों की बातों को टालता था तो उन लोगों को लगता कि शासन निकम्मा हो गया। और अपना सबसे बड़ी कि यहाँ के जो कॉलेज प्राचार्य हैं, कॉलेज मैनेजमेंट लोग हैं और जो कॉलेज के शिक्षक लोग, इन लोग का सबसे बड़ा रवैया ये कहीं ना कहीं सबसे नकारात्मक रहता है कि ये लोग अपना सैलरी तो पाते हैं, महाविद्यालय में आते हैं, मतलब कॉलेज की हित न हित कौन है, कॉलेज किस गश में जा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। आप लोग की मुख्य मांगे क्या है? पहला देखिए, हमारी मुख्य मांगे जो प्राचीन छात्र भवन है हम लोग के महाविद्यालय में है, जो कि वहाँ पूर्व छात्र आए कभी बनारस में तो वहाँ पे रुकने का एक गेस्ट हाउस तरह का है, क्योंकि प्राचीन छात्र में, लेकिन उसे एक धन उगाही के नाम पे कॉलेज प्रशासन द्वारा उसको बना लिया गया, कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा उसको धन उगाही के नाम पे उसको बना लिया गया, उसमें शादी विवाह अटेंड करा के और लोग डीजे बजा रहे हैं। बताइए कॉलेज में कहीं एक शिक्षा का मंदिर है ना कि कोई मैरिज हॉल है? राजर्षि जी की प्रतिमा कुछ बताइए उसमें, जो हम तो कहते प्राचीन छात्र में पूर्व छात्र आते हैं ना, तुमको राजर्षि जी की गरिमा तो कहीं ना कहीं पता रहती है ना, लेकिन बताइए राजर्षि जी के प्रतिमा के पास जाकर लोग दारू पी रहे हैं रात को, बताइए शादी विवाह में आए हुए, तो ऐसे तो हम लोग के अंदर कहीं ना कहीं राजर्षि जी की एक प्रेरणा धारा जो हम लोग पढ़े हैं कहीं ना कहीं, तो हम लोग तो अपने जीते जी मेरे शरीर के रक्त में जब तक मेरे नसों में खून का एक कतरा है मैं अपने जीते जी कब तक ये काम नहीं होने दूंगा।